हम आपको बहार नस्तालिक चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आप अपनी और अपने बच्चों की खूबसूरत उर्दू इंग्लिश लिखाई के लिए और अपडेट रहने के लिए बहार नस्तालिक चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लहर नस्तालिक में हम स्वाद के साथ स्वाद लिखेंगे। पिछले सबक में हमने स्वाद के साथ शीन लिखा था, इस सबक में हमने स्वाद के साथ स्वाद लिखना है। तो स्वाद स्वाद की प्लेसिंग के लिए देखें, जहाँ पे ये शीन का दायरा हम नीचे लेकर गए थे, यहाँ से आप सबक कत आगे आएँ और लाइन से दूसरी लाइन से एग्जैक्ट एक कत ऊपर आप एक नुक्ता लगा लें, यहाँ से हमने स्वाद स्वाद शुरू करना है। यहाँ से एक सवा कत आगे और एक कत ऊपर उमूदी रुख पर, यहाँ से हम स्वाद की शक्ल शुरू करेंगे स्वाद स्वाद लिखने के लिए। ये आप देखें, एहतियात के साथ आप इसको बनाएं। इसका वज़न मैं आपको समझा चुका हूँ कि वज़न इस शक्ल का कहाँ पे रखना पड़ता है। ये वज़न होता है थोड़े से टेढ़े रुख पर और फिर ये बतदरीज क्लोज होता हुआ गिरता है इस तरह से। यहाँ से फिर आपने ये पूरा प्याला इसका बनाना है। देखें, इसको ऐसी दे दें ताकि स्वाद अपनी असली शक्ल में हो जाए। अब यहाँ से आपने इसको नीचे गिराना है, स्वाद के साथ जोड़ देने के लिए। ये यहाँ से ज़्यादा मोटा नहीं करना आपने, पहले आप इसको स्मार्ट बनाएं। ज़रूरत पड़ने पर इसको मोटा किया जा सकता है, लेकिन अगर पहले ही मोटा बना देंगे तो फिर उसको स्मार्ट करने के लिए आपको इसको इरेज करना पड़ेगा। और ये आप इसको बनाएं। अब यहाँ से आपने मुफरत स्वाद डालना है, जिस तरह हमने पहली तख्ती में डाला था, बिल्कुल उसी तरह आपने ये स्वाद की शक्ल बनानी है। स्वाद की शक्ल जहाँ भी आएगी एक जैसी ही आती है, चाहे वो मुफरद तख्तियों में आए, चाहे मुरकबात की तख्तियों में आए, चाहे शुरू में आए और चाहे आखिर में आए, इसकी शक्ल में कोई तब्दीली वाकया नहीं होती। स्वाद भी और तोय भी, ये दोनों अपनी असल शक्ल में बरकरार रहते हैं। यहाँ से आप मुफरत शक्ल के लिए बनाएं, लाइन से हल्का सा कर्व देते हुए थोड़ा सा आगे जाएगा और यहाँ लाइन से ये बिल्कुल मुफरत स्वाद की तरह आप इसको नीचे कुर्सी की लाइन तक ले आएं दायरा बनाने के लिए। ये देखिए, अभी मैं इसका मीज़ान लगाता हूँ और इसके मीज़ान में इसकी एक दो जो है वो रम्स की बातें शेयर करता हूँ। ये स्वाद स्वाद की शक्ल होगी। अभी देखिए, हम इसका दायरा बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से। आप इसको मैयर कर लें सवा तीन कत में
इसका दायरा बनाएं, ये टेढ़े रुख पर ऐसे जुम्बश देकर गिराएं। यहाँ से इसको गलाई मजबूती लाइन को टच करना और यहाँ से इसको उठाते हुए क्लोज भी करना, गोलाई का भी ख्याल रखना, मीज़ान पे भी लाना, लाइन पे भी लाना और यहाँ से फिर इसको आप एंडिंग दे दें। ये आपका दायरा बन गया। स्वाद स्वाद का अभी देखिए, ये जो हमने मीज़ान इसका शुरू किया था कि हमने स्वाद को यहाँ से शुरू करना है, उसकी वजह क्या थी? सबसे बड़ी वजह ये वाली थी कि हमने इसके बीच में एक कद का फासला छोड़ना था। अब अगर हम इसको आगे पीछे करते तो यहाँ से आगे पीछे होता, हमने ये रखना होता था ताकि तख्ती में हमारे जो हैं वो लफ्ज़ जो हैं वो अपनी अच्छी शक्ल के साथ अच्छी जगह पर प्लेस हुए हुए हों, और ये ज़रूरी होता है। तख्तियों के अलावा लिखना चाहें तो कोई हर्ज नहीं, आप जैसे मर्ज़ी जितने मर्ज़ी डाल लें, लेकिन तख्तियों का मतलब यही होता है कि प्लेसिंग और स्पेसिंग और लफ्ज़ एक दूसरे के साथ कैसे हम आहंग होते हैं। अब इसका मीज़ान देखिए, ये तो हमारा इसका रवायती मीज़ान है, एक कत ये वाला और दो कत ये, एक कत ये। एक दूसरा इसका ये जो मीज़ान है, इसको अगर आप ये देखें कलम के साथ मेयर करें, ये आधे कत में है, आधे कत में। और ये जो है ये भी बिल्कुल अपने असल मीज़ान की तरह ही है, जो इसका बुनियादी मीज़ान है वही वाला, ये सवाकत में जाएगा और सवाकत से यहाँ से ये अपने दो कत के मीज़ान में आएगा। ये चूँकि सीधा हो जाता है, ये चूँकि उठ जाता है तो एक कत, ये चूँकि यहाँ से उठता नहीं है, सीधा होता है यानी हल्के कर्व के साथ थोड़ा होता है, तो ये जो है ये सवाकत बनाता है, ये दो कत बनाता है। अब इसमें एक और बात, ये सवा तीन कत हो गया और यहाँ लाइन से एक कद जो है वो हमारा नीचे रह जाता है। इसके अलावा अगर हम इसकी पैमाइश तक देखें कि इसको नीचे लेकर आएं, सीधा लेकर आएं और हम इस नोक से इसको मेजर करें, यहाँ से अगर हम इसको मेजर करें तो ये हमारा डेढ़ कद बनता है। ये देखें एग्जैक्ट, अगर मैं मेजर करूँ तो ये सफेदी ख़त्म हो जाएगी, यहाँ से और यहाँ से और ये डेढ़ कत बनता है इस सीध तक, डेढ़ कत। और ये जो नोक बनती है, इस नोक से ये स्वाद की शक्ल जो है ये बहुत मामूली सी नीचे होती है, चूँकि आगे वाला लफ्ज़ जो है वो नीचे होता है और स्वाद के साथ स्वाद जो है वो तो नीचे होता है। कुछ अल्फाज होते हैं बराबरी में भी आते हैं, लेकिन स्वाद ये स्वाद इससे बहुत मामूली सा नीचे होता है। अगर ये ज़्यादा ऊपर हो जाए तो ये ज़्यादा नीचे, तो फिर उसका एंगल ख़राब हो जाता है। और इसमें देखें, आपको एक ख़ास बात ये वाली बताऊं कि इसमें जब हम ये जो लाइन है हमारी, इस लाइन में मैं आपको ड्रा करके बताता हूं, ये देखिएगा, जब हम ये स्वाद की शक्ल बनाते हैं ये स्वाद की शक्ल हमने बनाई, जल्दी मैं बना रहा हूँ समझाने की नीयत से, और ये लाइन आप लगा लें, ये लाइन जो आपकी सीधी जा रही है, यहाँ से आपने यूँ समझ लें कि ये अगर हम एक कत नापें तो ये एक कत आधा कत आ रहा है, और इस आधे कत से यहाँ पे हमने इस बात को ड्रा करना है, तो
तो यहाँ से स्वाद ड्रा करने के लिए आप देखें कि यहाँ से आप कहाँ से शुरू करें। आप इसको मेजर कर लें कि ये जो प्याला इसका बना है, एक कप, दो कप और ढाई पौने तीन कद से ये जो प्याला बना है, एक कद, दो कद और ये ढाई और ये पौने तीन, आपने यहाँ से समझ लें कि ये शक्ल ड्रा करनी है, तब आपकी ये शक्लें जो हैं वो अपनी जगह पर बराबर बराबर आ जाएंगी, मुनासिब मुतनासिब फासले पे। वरना जो है वो अब देखें, पौने तीन पे रखा, ढाई पे रखना था ये, अब ये फासला जो ऐसे बनाएंगे तो ये फासला थोड़ा सा बढ़ गया है। अब इसको थोड़ा सा नज़दीक ढाई पे करके बना लें, फिर ये और क्लोज़ हो जाएगा। ये आपने अपने अंदाजे रखने होते हैं ताकि, और ये मश्क से होते हैं। मैं जो अपना अंदाज़ा रखता हूँ वो मैं बार दफ़ा शेयर कर देता हूँ, और ये जो अंदाजे रखाता हूँ कि आप इतना कत आगे चले जाएँ, ऊपर चले जाएँ, तो ये अंदाजे ही हैं जो सेट किए हुए हैं, तो फिर उन्हीं के मुताबिक लफ्ज़ जब बनाया जाए तो अच्छा पड़ जाता है। अब देखें, बेशक शक्लें अपनी जगह पर अच्छी हों, फासला बहुत मामूली सा बढ़ गया है। अब इस बहुत मामूली फासले को कम करने के लिए आपने स्वाद ये पौने तीन की बजाय ये ढाई पे, यहाँ से अगर आप ये स्वाद की शक्ल शुरू करें ये, तो अब देखिएगा कि यहाँ से अब ये आपकी जो शक्ल है वो, ये फासला कम हो गया, आधा कद में आ गया। और दूसरा कि ये जो इसका स्ट्रोक आ रहा है, ये स्ट्रोक, ये समझ लें कि आपने इसका इस तरह से स्ट्रोक बनाया और ये आपका इस तरह से, ये एक ऐसे रिदमिक सा स्ट्रोक होता है जिसका ख्याल रखना पड़ता है, ये ऐसे ही होना चाहिए ताकि उसमें फ्लो नज़र आए। ये स्वाद का सबक था, और इसके मीज़ान, बाकी इसका ये रवायती मीज़ान है अंदर से, वो हम तख्तियों में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा अगर आप ये देखें कि यहाँ से इसका एक और मीज़ान लेना चाहें तो ये एक कत आ जाएगा, इस स्वाद के पेट से इस स्वाद के पेट तक, यहाँ से एक कत का आ जाएगा, यहाँ से डेढ़ कत आ जाएगा। ये हमारा स्वाद और स्वाद का सबक था जिसको हमने पढ़ने समझने की कोशिश की। अगले सबक में हम इंशाल्लाह स्वाद के साथ तोएँ पढ़ेंगे और उसके मिजान मिजाज को भी पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारे इन इसबाक से फ़ायदा हो रहा हो तो आप बाहर नस्तालिक चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन भी दबा दें।